हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडमिन स्टार्ट द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको जेईई 2021 थर्ड अटेम्प्ट के रिजल्ट्स का बहुत ही बेसब्री से इंतजार हो रहा होगा। तो बच्चों फाइनली वो टाइम आ चुका है। मोस्ट प्रोबेबली बच्चों जो रिजल्ट्स हैं वो आज आ जाएंगे, क्योंकि बच्चों आप पैटर्न जो है उसको ऑब्जर्व कर सकते हो जेईई मेन का। जैसे कि आपको पता है कि बच्चों कल इसके आंसर की जो है वो रिलीज हो चुकी थी। तो जो पिछले भी अटेम्प्ट्स हैं उनको अगर देखें तो जब भी जेईई मेन के आंसर की बच्चों रिलीज हो जाती है, उसके तुरंत नेक्स्ट डे या फिर सेम डे जो रिजल्ट एनटीए द्वारा जो डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो कि रिजल्ट जो है वो आज मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाएगा। सेकंड बच्चों, यहाँ पे देखो इंडिया टीवी की, मैं आपके सामने ये पीछे न्यूज आपको दिख रही होगी इंडिया टीवी की, तो इन्होंने भी क्लियरली लिखा है एनटीए जेईई मेन 2021 रिजल्ट्स टू बी अनाउंस टुडे। तो इसका मतलब बच्चों दोनों चीजों से, और भी एक दो चैनल आप देख सकते हो वहां पे भी क्लियरली ये शो हो रहा है कि जो थर्ड अटेम्प्ट है उसका रिजल्ट बच्चों आज आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूज जो है वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ में शेयर कर देता हूं। तो बच्चों आप, रिजल्ट तो आ ही जाएगा, रिजल्ट के चक्कर में बहुत ज्यादा आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है ना। और जब भी बच्चों रिजल्ट आए तो तुरंत बच्चों कॉमेंट सेक्शन में आपको अपने मार्क्स और अपनी परसेंटाइज जो वो जरूर बतानी कि कितना आपने अचीव किया, साथ ही साथ में प्रीवियस जो अटेम्प्ट आपके थे उससे आपने कितनी परसेंटेज जो वो आपका इंक्रीज हुआ परसेंटाइल, वो भी जरूर आपको बच्चों यहाँ पे मेंशन करना है। अगेन बच्चों मैं यही बोलूंगा कि इन केस, वैसे तो आज रिजल्ट आ जाएगा, बट इन केस अगर आज रिजल्ट नहीं भी आता है तो बार बार आप उस चक्कर में टाइम बच्चों अपना वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि एक एक दिन आपके लिए जो आगे आने वाले अटेम्प्ट है, जैसे फोर्थ अटेम्प्ट है या फिर हम बात करें जेईई एडवांस की, तो वो बच्चों आपके लिए टाइम जो वो बेहद ही इंपॉर्टेंट टाइम है। ये बहुत लगातार पता भी नहीं चलता कि कैसे टाइम जो निकल जा रहा है, तो आप अपनी प्रिपरेशन जो उस पर फोकस रखिए। और अगर बच्चों आप प्योरली टारगेट कर रहे हो जेईई मेन के फोर्थ अटेम्प्ट को, तो इसके लिए आप जो है बैच एटीपी स्टार का आरबीसी 5.0 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, इसमें बैच क्लासेस जो वो भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप एडवांस पे फोकस कर रहे हो तो उसके लिए बच्चों आप आरसीसी 2.0 बैच जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो, इसकी भी क्लासेस जो वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, बच्चों को काफी मजा इसमें आ रहा है। तो एक एक दिन बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक ऐसे ऑर्गेनाइज्ड कोर्स की जरूरत है तो अभी के अभी बच्चों आप इसमें एनरोल कर सकते हो, और इसके एनरोलमेंट का लिंक जो है वो भी बच्चों मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, तो वहां से आप जो है वो डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। ठीक है, बाकी बच्चों रिजल्ट आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, ऐसा मेरे को 100% पता है। ओके, चलिए बच्चों बेस्ट ऑफ लक।